अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज 19 फरवरी और कल भी मैं शोगरान में था और आज आपको ले कर चलता हूँ शोगरान। बारिश मेरे गांव में सही वाली बारिश लगी हुई है और मेरा एक दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है, मुझे उसने कॉल की है कि मैं जो है आ रहा हूँ शोगरान जाने के लिए और तुम भी ना नीचे रोड पर आ जाओ। तो लाइक मेरे घर से थोड़ा नीचे मेन रोड तक जाते हुए टाइम लगता है, तो वो आ रहे हैं बालाकोट से और मैं यहाँ से पैदल चल के जा रहा हूँ नीचे। और सुना है शोगरान में बर्फ़ पड़ रही है, सुना है क्या, बल्कि ये देखा भी है, लोगों ने वीडियोस वगैरह अपलोड किए हैं। तो आज मेरा मूड तो नहीं था, लेकिन चले मैंने कहा जो लोग हमें देखते हैं तो उनको बताते हैं कि शोगरान कैसे जाना है और शोगरान में विंटर्स में क्या सीन होते हैं। तो बस यहाँ से मैं भी निकल गया हूँ और आपको भी आगे के जो व्यूज़ हैं वो साथ साथ दिखाता हूँ। हम आ गए हैं जी क्यूआई में, बल्कि किवाई से पहले ये है नौगजी, और आप जब भी आएँ यहाँ पे दो तीन जीपें आपको नज़र आएंगी। बिशारत भाई होते हैं, ये इनकी गाड़ी है, और जो बंदा आ जाए वो है जी शानी गोल, और हमने अपनी गाड़ी खड़ी की है ये सामने। और यहाँ से लाइक आप अगर किवाई में गाड़ी खड़ी करते हैं तो आपको पार्किंग के पैसे देना पड़ते हैं और थोड़ा जीप्स के रेट भी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर आएँ, इधर से गाड़ी लें, अभी भी हम भी बैठ रहे हैं जीप में और आपको आगे नज़ारे फिर दिखाते हैं। यहाँ से शोगरान का रोड जो है वो दाएं तरफ मुड़ जाते हैं और ये जो नीचे रोड आपको देख रहे हैं ये नारान जाते हैं, और ये पहले कच्चा रोड होता था लेकिन अभी ये लाइक हाफ वे तक कारपेटेड है। और ये नीचे जो गांव है यहाँ पे आपको जीपें वगैरह मिल जाती हैं, ये किवाई है। आप लोग भी देखें लाइव स्नोफॉल के नज़ारे, और ये शोगरान का जंगल है और यहाँ पे हो रही है लाइव स्नोफॉल। जी हमें जाते हुए ऊपर बंदा मिले, एक ऑलमोस्ट सारा पाकिस्तान इसे जानते हैं, और दिलपजीर भाई थोड़ी जी स्टोरी हो जले। सुने सर जी, वो इशा ज्यादा था कि जो परी को लेके सफर मलूक से यहाँ पहुंचा शोगरान में, तो यहाँ से शो हो गया इसलिए जगह का नाम शोगरान रखा गया, और वहाँ पे परी और शहजादा रहने लग गए। तो परी दूध बकरी का पीती थी, उसके लिए कि बकरी लाया, उस बकरी को शेर ने उठा के सिरी पाए पे उखाड़ दिया। सुबह शहजादा, अभी ये सीन्स हैं शोगरान रोड पे, गाड़ियाँ सारी खड़ी हो गई हैं, बहुत बड़ी लाइन है नीचे तक, क्योंकि जो ऊपर से गाड़ियाँ आ रही हैं वो फंस गई हैं और नीचे से जाने वाली भी ऑलरेडी फंस चुकी हैं। थोड़ा ऊपर जाते हैं और आपको दिखाते हैं क्या सीन है। उल्टा सीन हुआ है सारा, बट खैर है जी, कोई नहीं, जीपे जाएंगी ऊपर क्योंकि फोर व्हील गाड़ियाँ हैं, चैंस के साथ हैं, और पाउडर स्नो है। ये गाड़ी भी देखें फंस गई अभी यहाँ पे, और हमारे वाली काफ़ी नीचे, हम भी जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ अभी। और ये रंग बिरंगी जीपें जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, बड़ा सीन क्रिएट कर रही हैं। आधा घंटा रुकने के बाद हमारी गाड़ी तो चली है, लेकिन आगे फिर ट्रैफिक जाम है और गाड़ियां सारी ही फंसी हुई हैं लगभग यहां पे, क्योंकि बर्फ़ देखें नीचे, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। सो जी, गाड़ी ऊपर नहीं आ सकती थी, बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, ये चेक कर लें, लगभग 3.5 फुट बर्फ़ है यहां पे, और हमने पैदल आने का डिसाइड किया लेकिन बर्फ़ अभी भी स्टिल भी बर्फ़बारी हो रही है, और ये चेक करें, और हम बात को भी साथ में ले के आए हैं। बात बर्फ़ अच्छी लग रही है, और पूरी हमारी जो कैबिनेट है हम पैदल जा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर तक जाते हैं, चिल करते हैं, फिर वापस नीचे आते हैं। हम कर रहे हैं वापसी, ये सीडरवुड चौक है, यहाँ से उस तरफ अगर आप जाएं तो शोगरान, और इस तरफ अगर आप जाएं तो सीडरवुड होटल है, और जहाँ पे कॉटेजेस वगैरह बड़े शोगरान में फेमस हैं इनके, और हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, ऊपर मैदान तक नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी भी बर्फ़बारी शुरू है। और ये देखें यहाँ पे रोड पे तो थोड़ा कम है, इधर अगर आप देखें तो लाइक मेरे घुटनों तक ये आ रही है, और हमने अपना पूरा शशका पूरा कर लिया। ओ भाई, ओए होए, स्लिपरी, फुल स्लिपरी सीन हुआ, हमने शौक अपना पूरा कर लिए और वीडियोस बना ली हैं। आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि विंटर में शोगरान कैसा दिखता है, तो अगर आपने आना है तो लाइक आप इस्लामाबाद से यहाँ तक का जो ट्रैवल टाइम है वो लगभग है 5 घंटों का ट्रैवल टाइम है, आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। यहाँ पे जीप्स आती हैं, छोटी कोई गाड़ी भी,
नहीं आती है विंटर में। और ये बर्फ़ इंजॉय करके आप वन नाइट स्टे करके अच्छे होटल्स जहाँ पे आपको मिल जाएंगे करके आप दूसरे दिन वापस भी जा सकते हैं। लाइक वीकेंड ट्रैवल के लिए, वीकेंड के टू डेज़ के टूर्स के लिए ये बहुत बेहतरीन जगह। और उसके बाद मेरे साथ एक भाई हैं कराची से, इनके रिव्यूज़ जानते हैं कि ये क्या कहते हैं आज के इस जो हमने छोटी सी एक जर्नी की है इसके बारे में। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप अपना तारफ करवाएं कि आप कहां से आए हैं कराची में से, दूसरी बात ये कि आपको ये आना यहां पर कैसा लगे। मैं कराची कुरंगी से आया हूं और माशाल्लाह आप लोग के साथ आके, आप लोग के साथ ट्रेवल करके और आप लोग के साथ यहाँ पर विजिट करके हमें बहुत अच्छा लगा है और बहुत अच्छी जगह। और मैं तो ख़ास तौर कराची वालों को बोलना चाहता हूँ कि भाई आप लोग निकलें यहाँ पर, यहाँ का इंजॉयमेंट करें। और यही जो जगह होती है हमारे लिए कि हम यहाँ पर आओ, यहाँ पर घूमें फिरें और थोड़े बच्चों को इंजॉयमेंट करवाएं। ओके जी, बहुत शुक्रिया। तो ये देखें इस तरह की जगहों पे जब आप फैमिलीज़ को भी ले कर आ सकते हैं, बच्चों को भी। मेरे साथ शानी है दोस्त मेरा, उसका छोटा सा बच्चा है, वो उसको भी ले कर आए हुए बात को भी। तो ये है कि लाइक आपके बच्चे भी खुश हो जाते हैं और आपके खुद की भी इन्जॉयमेंट हो जाती है। और ये बर्फ़ लगभग अगले दो दिन तो बर्फ़ होगी, पड़ भी रही होगी, और इसके बाद ये 20-25 दिन जो है ये बर्फ़ ज़मीन पर रहेगी अगर तो मौसम ठीक होता है। तो आप लोग आएँ, इन्जॉय करें और हमें भी अपनी खुशियों में, अपने प्यार में याद रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हम गए थे ऊपर, हमारी गाड़ी ये खड़ी है और ये सामने देखें, ये जड़ों समेत दरख्त आए बाहर और ये गिर गया। शुक्र है कि यहाँ पे कोई किसी का नुकसान नहीं हुआ। और ये पूरा दरख्त जो है यहाँ पे गिरा है इस दौरान, और अभी हम यहाँ पे हो गए स्टक। जब तक इसको काटा नहीं जा सकता तब तक यहाँ से कोई भी नहीं निकल सकता। व्लॉग से नेक्स्ट डे, आज मैंने व्लॉग नहीं बनाया लेकिन अभी व्यू बहुत मज़े गए। तो मैं लाइक कल मैं वापस चला गया था, फिर दोबारा से आया हूँ और आज मेरे साथ खिजर और मुदसर भाई हैं फैसल मूवर्स वाले। आप भी व्यू देख लें कितना मज़े का। और शोग्रान में अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी है, यह चेक करें।